हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ये वाली मेहंदी यूज़ कर सकते हैं और ये आपके सफ़ेद बालों को काला करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे डेमो शेयर करूंगी, फुल वाइट हेयर पे एप्लीकेशन दिखाऊंगी, क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज मिक्स की हुई है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, नेचुरल है कि नहीं है, क्या साइड इफेक्ट है, सब चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगी, सारी एप्लीकेशन दिखाऊंगी, आफ्टर रिजल्ट्स दिखाऊंगी, साथ ही साथ इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आयु हिना की हर्बल मेहंदी जो कि बनी है जड़ी बूटियों सहित और ये है जेन्युइन ओरिजिनल होलोग्राम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये है आयु हिना की हर्बल जड़ी बूटियों से बनी हुई मेहंदी जो कि हम लगाएंगे बालों में। इसका मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगी और बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट दिखाऊंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ आपको ये भी शेयर करूंगी कि ये किस तरह की है, किस तरह से अप्लाई करना है, डेमो शेयर करूंगी, रिजल्ट शेयर करूंगी, नेचुरल है कि नहीं है, कितना केमिकल है, क्या क्या इसमें और इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर ये केमिकल फ्री है, सब इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये इस तरह की है आयु हिना की हर्बल मेहंदी जो आप कह सकते हैं कि मेहंदी बेस्ड जो हेयर कलर होते हैं वो है ये। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको लगाना किस तरह से है और इसमें है क्या क्या। इसको लगाने के लिए हम इसको गुनगुने पानी से घोलेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे। इसमें मेहंदी और बहुत सारी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। इसको हम पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इसका कलर किस तरह से आता है और ये केमिकल फ्री है या नहीं है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि ये है किस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह का पैकेट दिया गया है, दो पैकेट्स हैं। सो मैं यहाँ पे अभी एक पैकेट यूज़ करूँगी। ये है आपका एक पैकेट, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये इस कलर में है, पाउडर फॉर्म में है ये। और इसको हम यूज़ करेंगे किसी भी बर्तन में आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई, आप नॉर्मल कोई भी प्लास्टिक का बाउल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक पैकेट यूज़ कर लिया है, अगर कम पड़ा तो हम और भी यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे गुनगुना पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से इसका ब्लेंड बना लेंगे। जैसा कि ये पाउडर फॉर्म में है, मेहंदी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा आप पतला रख सकते हैं इसको। और इसका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्योर है कि नहीं है पूरे बालों पे। मतलब अगर आपके पूरे बाल सफ़ेद हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मार्केट में जो आपके पास कलर्स अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर वो सारे केमिकल से भरपूर होते हैं और साथ ही साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर कोई हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कलर कैसा आएगा वो तो आपको दिख ही जाएगा, बट क्या हमें फील हुआ है इसको यूज़ करके, क्योंकि हमने बहुत सारी और भी डाइस का रिव्यू किया हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको यूज़ करने से आपका लाइक कलर आएगा कि नहीं आएगा या फिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपने इसको पहले तो अच्छे से कंसिस्टेंसी बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारे हेड पे हमने इसको लगा लेना है। बहुत आप देख सकते हैं स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है, तो मैंने पूरे हेयर पे लगाया है। इनिशियली लग रहा था कि ये कम पड़ जाएगा एक पैकेट, लेकिन मैंने फुल हेड पे इसको अच्छे से फैला दिया था ब्रश के हेल्प से, आगे और पीछे। पहले मैंने आगे का एरिया कवर किया, फिर मैंने पीछे का एरिया कवर किया। इस तरह से आपने रूट्स में जहाँ पे भी आपके वाइट हेयर है उसको अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम एक घंटे के लिए आपने रखना है, उसके बाद शैम्पू से वॉश कर देना है। Thank you.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मेहंदी, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मेहंदी, आंवला, नीम पत्ती, शिकाकाई, कॉफ़ी सीड, बैरियम, पारोक्साइड, पीपीडी, भृंगराज, ब्राह्मी, तुलसी। तो मतलब कि ये आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ साथ इसमें पीपीडी और पारोक्साइड भी है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको गुनगुने पानी में मिक्स करना है, बालों पे लगाना है, आपके बालों में तेल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कॉम की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, और फिर हमने इसको रखना है एक घंटे के अराउंड। एक घंटा आपने बालों के ऊपर रखना है और फिर वॉश कर देना है, नॉर्मल वॉश कर देना है, हम शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे इसको वॉश करने के बाद। नाउ ये 36 मंथ्स का, इसका मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप 36 मंथ्स तक वैलिड रहता है, और ये 50 रुपीज़ का पैकेट है, 50 ग्राम्स होता है इसमें, और इसमें अभी दो पैकेट्स निकले तो हमने यूज़ किया है 25 ग्राम्स। तो फ्रेंड्स ये थी आयु हिना की हर्बल मेहंदी जिसमें पीपीडी भी था। तो कलर आप देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स इसमें कोई किसी भी तरह की स्मेल नहीं दिखी मुझे, कोई भी तरह की हेडेक नहीं हुई, और साथ ही साथ इससे इचिंग वगैरह भी नहीं हुई। सिंपल मेहंदी की जैसे ये निकल गया, बहुत पतली लेयर मैंने लगाई फिर भी इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। आई वॉज इन डाउट कि अगर पतली लेयर लगाऊंगी तो कलर आएगा कि नहीं आएगा। सो ये 100% नेचुरल नहीं है, इसमें पीपीडी और जो भी इसमें केमिकल है उसके साथ आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिक्स किया गया है, ताकि जो केमिकल से हमें रिएक्शन होती है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे, उसको ये हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स कवर कर पाएँ। ये रूट आ जाएगी, मीन्स रूट्स में आपके हेयर ग्रोथ हो गई है, तो आपके जो हेयर ग्रोथ है वो वाइट ही होगी, इसलिए ये अराउंड 20-25 डेज तक चलेगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।